अगर वी नॉट कक्षीय वेग और वी ई पृथ्वी के लिए पलायन वेग है, मतलब वी नॉट को क्या बोला गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोला गया है और वाइटल वेलोसिटी, और वी ई को क्या बोला गया, स्कैप वेलोसिटी। ये दोनों आपको बताया गया, स्कैप वेलोसिटी क्या होता है बहुत पहले बताया गया था, ठीक है एक बार और बता देता हूँ। स्कैप वेलोसिटी क्या होता है, किसी भी वस्तु को अगर पृथ्वी के बाहर जिस वेलोसिटी से मूव कराते हैं वो क्या होता है, स्कैप वेलोसिटी होता है। यदि किसी वस्तु को पृथ्वी के बाहर स्पेस पर भेजना है तो जिस वेलोसिटी से वो जाता है वो क्या होता है, स्कैप वेलोसिटी होता है। जैसे रॉकेट का उड़ना वो क्या है, स्कैप वेलोसिटी के कारण होता है, ठीक है। तो दोनों में रिलेशन हम लोग को पहचानना है क्या होगा, तो स्केप वेलोसिटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, वी ई से। ये क्या है, स्केप वेलोसिटी पलायन वेग, और ये क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। जैसे ये पेन है, ये पेन को अगर ऊपर फेंका जाए तो ये पृथ्वी के बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी बहुत कम है। तो किस वेलोसिटी से पृथ्वी के बाहर चल जाएगा कोई भी वस्तु, स्केप वेलोसिटी से, जिसका मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये भी आपको बताया गया था, कितना होता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये इसके वेलोसिटी का मान है। तो दोनों में आपको रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो कैसे हम लोग समझेंगे, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी बराबर क्या होता है, रूट ओवर जी एम बाई आर, ठीक है, और इसके वेलोसिटी बराबर क्या होता है, रूट ओवर 2gm/r, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे g क्या है, सभी को मालूम है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। m क्या है, m हमारा क्या है, मास ऑफ प्लैनेट। जैसे मान लिया जाए ये वस्तु को पृथ्वी के बाहर भेजा जा रहा है स्पेस में, तो ये मास इस वस्तु का नहीं है, प्लैनेट का है, नोट करना, ठीक है। ये मास किसका है, प्लैनेट का है, जिस प्लैनेट से किसी वस्तु को हम लोग बाहर फेंकते हैं उस प्लैनेट का ये मास है, और रेडियस भी उसका है, ये इसका मास नहीं होता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या आता है कि स्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड नहीं करता है, मतलब जिस वस्तु को हम लोग पृथ्वी के बाहर फेंकते हैं उस वस्तु के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, वी ई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट ओवर टू वी नॉट लिख सकते हैं, इसके जगह पे अगर इसको पुट करते तो क्या आएगा, वी इज इक्वल टू रूट टू वी नॉट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो रूट टू का मान कितना होता है, सभी को मालूम है रूट टू का मान कितना होता है, 1.414 ये मान होता है। एग्जाम में आपको ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, अगर ये दे तो बहुत लोग बना लेंगे, और ये दे तो कन्फ्यूजन होगा क्योंकि एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता है। तो रूट टू का मान आप लोग याद कर ले, 1.414 होता है, और रूट थ्री का ही मान होता है 1.732। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से सड़क पर एक कार चल रही है, तो कार का शुद्ध परिमाण बल क्या होगा, मतलब कार पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, आप लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन क्या दिया गया है, शून्य, या गति की विपरीत दिशा में इंक्लाइन फोर्स, और क्या दिया है, नॉट। यदि कोई वस्तु, जैसे यहाँ पे कार दिया गया है, यदि कोई वस्तु कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उसमें लगने वाला फोर्स कितना है, आप लोग कमेंट करके बताएं। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब इसको कैसे समझेंगे, समान वेग, मतलब यहां पे क्या पूछा गया, कांस्टेंट वेलोसिटी दिया गया है। जब भी कोई वस्तु कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती है तो उसमें लगने वाला एक्सीलरेशन कितना होता है, एक्सीलरेशन यानी त्वरण हमेशा जीरो होता है, ठीक है। त्वरण हमेशा कितना होगा, जीरो होगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो त्वरण कितना होगा, जीरो होगा। एफ कितना होगा, जीरो, इसको ए भी बोल सकते हैं। जब एक्सीलरेशन जीरो होगा तो फोर्स भी कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि फोर्स बराबर क्या होता है, एम इंटू एफ, तो कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। तो एफ कितना होगा, जीरो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर एक पिंड का द्रव्यमान 100 kg है और जी का मान आपको कितना दिया गया है, 10 m/s², ऐसे कितना होता है, 9.8 m/s² होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे अप्रोक्स में दिया है 10 दिया गया है। तो क्या चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा,
क्वेश्चन क्या है आपको ये बता दिया गया है आपको, पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है, 9.8 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना दिया गया है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये दिया गया है पृथ्वी पर किसी वस्तु जी का मान है। तो चंद्रमा पर कितना होगा अगर जी का मान जी बाई सिक्स हो जाए, ये जैसे मान ली अर्थ है, ये क्या है मून, समझना है ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे जी का मान आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्वेश्चन के हिसाब से 10 दिया गया है, यहाँ पे कितना है जी बाई सिक्स ये भी दिया गया है। मून पर अगर गुरुत्वाकर्षण जी बाई सिक्स हो जाए तो यहाँ पे वस्तु का पूछा गया है क्या है, मास द्रव्यमान पूछा गया है, यहाँ पे कितना दिया गया द्रव्यमान 100 kg। इसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा, 100 kg या 100/6, 60 kg या 600 kg। इसका आंसर बहुत लोगों का गलत आने वाला है, ठीक है, क्यों, इसका रीजन क्या है, एक क्या होता है एक मास होता है और क्या होता है एक वेट होता है, मास वेट, ये द्रव्यमान ये भार। तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान 100 kg है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर कितना होगा, हमेशा 100 kg होगा। आपको ये बताया गया है कि द्रव्यमान मास कभी चेंज नहीं होता है, वेट चेंज होता है वेट। तो यहाँ पे आपको द्रव्यमान दिया गया था और द्रव्यमान पूछा गया है, वेट नहीं पूछा गया है। तो द्रव्यमान कितना होगा, 100 kg यहाँ पे था तो यहाँ पे भी 100 kg होगा, ये कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको अगर भार पूछा जाता तब हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से निकालते हैं, ठीक है, लेकिन द्रव्यमान पूछा गया है, मास कभी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे भी 100 kg है तो मून पे भी कितना होगा, 100 kg होगा। किसी भी प्लेनेट पे चल जाए मास कितना होगा, 100 kg होगा। ऑप्शन क्या होगा, बी 100 kg। W बराबर mg होता है, सभी को मालूम है, ये फॉर्मूला में पुट करके बनाने लगे सवाल, आंसर हमारा कुछ और आएगा, ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मास पूछा गया, वेट नहीं पूछा गया, सवाल को सही से पढ़ना है। कठोर शरीर के लिए युवा पमांक मापांक, यंग्स मॉडुलस आपको पूछा गया है रिजिड बॉडी के लिए, द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस फॉर परफेक्ट रिजिड बॉडी कितना होगा, सभी को मालूम होना चाहिए रिजिड बॉडी क्या होता है, कठोर, ठीक है, रिजिड का मतलब क्या है, कठोर। अब यंग्स मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी, जैसे कोई भी वस्तु कितना, किसी वस्तु को कितना हम लोग क्या कर सकते हैं, लंबा खींच सकते हैं। जैसे मान लिया जाए ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इसका ये स्ट्रेच हो जाएगा, कितना स्ट्रेच कर सकते हैं, ठीक है, तो परफेक्टली रिजिड बॉडी क्या होता है, कभी स्ट्रेच नहीं होगा, रिजिड बॉडी को हम लोग स्ट्रेच नहीं कर सकते, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस कितना होगा, उसका 0 होगा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिए। द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड का रिजिडिटी कितना होगा, तो लिक्विड का भी रिजिडिटी कितना होगा, हमेशा 0 होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने तैरने का नियम का खोज किया था, ठीक है, लॉ ऑफ फ्लोटेशन किसने दिया था, तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन किसने दिया था, ऑप्शन सी आर्किमिडिक, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, आर्किमिडिक ने लॉ ऑफ फ्लोटेशन दिया था, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन, तैरने का नियम। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तैरता हुआ बॉडी हमेशा अपने बराबर तरल को विस्थापित करता है, ये भी जो क्वेश्चन है इसके नियम के अनुसार ही हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, तो कैसे बनेगा ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर अभी कर देते हैं। जैसे मान लिया जाए एक कंटेनर है, उसमें क्या है लिक्विड लिया गया है, जैसे मान लो पानी लिया गया है, इसमें एक वस्तु को क्या करते हैं, एक वस्तु को इसमें रखते हैं, तो कुछ पानी क्या होता है बाहर निकल जाता है, तो कितना पानी बाहर निकलता है यही बताना है, ठीक है, तो ये हमेशा वेट के बराबर, जैसे मान लिया जाए कि यह वस्तु का 10 केजी वेट है, मान लेते हैं आधा भाग क्या है, आधा भाग डूब चुका है, आधा भाग मतलब 5 केजी भाग डूब चुका है, तो कितना पानी निकलेगा, 5 केजी ही निकलेगा, आयतन के बराबर नहीं निकलता है, ठीक है, वेट के बराबर निकलता है, ऑप्शन बी भार के बराबर।
इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए पूरा डूब जाए तो कितना पानी निकलेगा, 10 kg, क्योंकि वस्तु का वेट कितना है, 10 kg है। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग को सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। पारे से भरी बाल्टी में गिराए जाने पर स्टील से बनी गोलाकार गेंद क्या होती है, डूब जाएगा, सतह पर तैरने लगेगा या विलीन हो जाएगा या नन ऑफ दिस। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग का डेंसिटी का है, ठीक है। डेंसिटी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, घनत्व बोलते हैं, सभी को मालूम है घनत्व कहा जाता है। तो कैसे पहचानेंगे, जैसे मान लिया जाए फिर वही कॉन्सेप्ट, जितना क्वेश्चन अभी है आपका एक नियम के अनुसार 3-4 क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दिया जा रहा है ताकि आप भूले ना। ये जैसे मान लिया जाए लिक्विड है, ये वस्तु है, ये वस्तु तैरता है, इसका रीजन क्या है, जब इसका डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से कम हो, अगर यही वस्तु इसमें डूब जाएगा तब इसका रीजन क्या होता है कि वस्तु का डेंसिटी पानी का डेंसिटी से क्या होता है, ज़्यादा होता है, पानी हो सकता है या कुछ भी, कोई भी तरल हो सकता है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है, पारे से भर, अगर पारा ये मरकरी का है, ये मरकरी का है, पारा का है, ठीक है, और इसमें स्टील का एक स्टील का गेंद है, स्टील का, तो ये तैरेगा ये डूब जाएगा, कैसे पहचानेंगे, डेंसिटी से। तो इसका डेंसिटी, स्टील का डेंसिटी हमेशा क्या होता है, पारा का डेंसिटी से कम होता है, ठीक है, स्टील का डेंसिटी पारा का डेंसिटी से क्या होता है, कम होता है, इसीलिए ये क्या होगा, तैरेगा, ऑप्शन क्या होगा, तैरता हुआ प्रतीत होगा, ऑप्शन बी लॉ हमेशा क्या होगा, फ्लोट करेगा, ठीक है, तैरेगा। बारिश की बूंद का आकार गोलाकार होने का रीजन क्या है, यह भी आपको बता दिया गया है, बहुत पहले इसी सेट में आपको बता दिया गया था कि बारिश का बूंद गोलाकार या स्फेरिकल क्यों होता है, सरफेस टेंशन के कारण, ठीक है, सतह तनाव के कारण, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इसको कहते हैं इंग्लिश में, और सरफेस टेंशन का यूनिट ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑप्शन सी। पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का चक्कर लगाती है, यदि उनके बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो नया टाइम पीरियड क्या होगा। मैं एक बात कह दूं आप लोगों को, अगर टाइम पीरियड और रेडियस ये दो चीज आपको दिया गया है क्वेश्चन में, इसका मतलब कि ये केपलर थर्ड लॉ के नियम से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या दिया है, रेडियस आर है, ठीक है, रेडियस को डबल कर दिया गया है। अब पृथ्वी सूर्य का चक्कर एक वर्ष में लगाती है तो सभी को मालूम है T1 कितना हो जाएगा, एक वर्ष हो जाएगा। T2 पूछा गया है, जब इसको सॉल्व करेंगे ये फार्मूला से, ये फार्मूला आपको बता दिया गया है, T1/T2 का होल स्क्वायर बराबर R1/R2 का होल क्यूब, क्या होगा, होल क्यूब, ये फार्मूला से। तो जब T1 कितना है, 1/T2, ये T2 हम लोग को फाइंड आउट करना है, R/2R, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2√2, ठीक है, ऑप्शन कितना आएगा, 2√2, इसको नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 2√2 ईयर, ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान m के एक कण का पलायन वेग भिन्न होता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो आपको बताया गया था कि एस्केप वेलोसिटी का मान क्या होता है, ve√gm/r, ये m क्या होता है, मास ऑफ प्लैनेट नॉट बॉडी। जैसे किसी भी वस्तु को हम लोग पृथ्वी के बाहर फेंकते हैं तो स्पेस में अगर किसी वस्तु को ले जाया जाए तो मास इसका दिया गया है, उस वस्तु का नहीं दिया गया, प्लैनेट का दिया गया, ठीक है, r भी क्या है, रेडियस उसी का है, तो इसका आंसर m का पावर क्या होगा, 0, m का पावर 0, किसी भी पावर का 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, मतलब कि वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। अगर किसी भी चीज़ को हम लोग, जैसा मान लिया जाए कोई चीज़ है टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, मान ले वो चीज़ टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, तो हम लोग मैथमेटिकली उसको t का पावर 0 लिख सकते हैं। अब t का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, मतलब वहाँ पर टाइम है ही नहीं, ठीक है। तो पलायन वेग जिसको हम लोग स्केप वेलोसिटी बोलते हैं वो किस पे डिपेंड नहीं करता है, मास ऑफ बॉडी। तो मास ऑफ बॉडी हम लोग उसको दो तरीका से लिख सकते हैं, या तो लिखेंगे डू नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉडी, ये लिखेंगे, ठीक है, इतना बड़ा लाइन लिख सकते हैं, और मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल से चीज m का पावर 0, दोनों का मतलब एक ही होता है। इतना बड़ा सेंटेंस को हम लोग एक
वर्ड में लिख सकते हैं m का पावर जीरो। इसका मतलब क्या होता है m का पावर जीरो, किसी भी पावर का जीरो क्या होता है, वन हो जाता है। इसका आंसर क्या होगा, ए, ठीक है, ऑप्शन ए। इसमें बहुत कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसको समझना है। अब ये अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यदि कोई वस्तु SHM करती है तो मीन पोजीशन पर सबसे ज्यादा सबसे कम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि SHM क्या होता है। तो SHM हम लोग समझे, एक पेंडुलम, पेंडुलम तो सभी ने देखा ही होगा, अगर पेंडुलम के इस भाग को यहाँ पर लाकर छोड़ दिया जाए तो ये क्या होगा, टू एंड फ्रो क्या होगा, मूव करेगा, ये सभी को मालूम है। मतलब यहाँ पर आने के बाद क्या होता है, ये बॉडी रुक जाता है, इसको हम लोग बॉब बोलते हैं, बॉब, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होता है, रुक जाता है, रुक जाने के बाद क्या होता है, फिर से इस तरफ मूव करता है और फिर रिटर्न आता है, टू एंड फ्रो, इसको क्या बोलते हैं, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। इस तरह का अगर कोई बॉडी वस्तु मूव करता है तो उसको क्या बोलेंगे, SHM बोलेंगे। अब यहाँ पे बात आता है मीन पोजीशन, तो इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन, बीच वाले को क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है, कैसे होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वस्तु आकर रुक जा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे आता है और बैक चला जाता है। मतलब कि यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, उसका उल्टा हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और यहाँ पे एक हम लोग को हाइट भी दिख रहा है, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है, लेकिन पूछा गया है इसके लिए, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा और पोटेंशियल एनर्जी कम होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इसको नोट कर ले, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन पूछा गया है, डायमेंशन, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो डायमेंशन आपको रटना नहीं है, अगर आपको याद हो जाता है, एक दो बार उसको पढ़ते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं, तो डायमेंशन अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको याद हो गया है, लेकिन अगर याद नहीं होता है तो उसको रटना नहीं है, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, जी बराबर क्या होता है, ऐसे एफ बराबर क्या होता है, जी इंटू एम वन इंटू एम टू बाई आर स्क्वायर, ये होता है। यहाँ से जी हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर बाई एम वन एम टू। फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन, त्वरण लिख सकते हैं। ये क्या है, लेंथ है, लेंथ का क्या है, स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये क्या है, मास का स्क्वायर। अब यहां से मास और एक मास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब एक्सीलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेंथ टाइम इनवर्स टू, यहां पे भी लेंथ क्या है, एल स्क्वायर, यहां पे मास, तो क्या हो गया, एम एल क्यू टी का पावर माइनस टू, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और यहां पे मास क्या है, नीचे में है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, माइनस वन हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, इनवर्स एल क्यूब, उसके बाद क्या है, टी का पावर माइनस दो, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसको नोट कर लीजिएगा, एम का पावर माइनस वन एल क्यूब टी का पावर माइनस टू। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको लॉ ऑफ फ्लोटेशन, आर्किमिडिक प्रिंसिपल जो बताया गया था उसी के बेस्ट के ऊपर है। जब कोई वस्तु किसी तरल पदार्थ में डूब जाता है तो वो उस क्रिया पर होने वाले फोर्स का नाम बताए। व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज्ड इन ए लिक्विड इट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्प्लावन, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट। कैसे बोलते हैं, जैसे मान लिया जाए ये कंटेनर है, इसमें क्या लिक्विड है, इसमें किसी भी वस्तु को हम लोग क्या करते हैं, रख देते हैं, तो ये क्या होता है, नीचे की तरफ फोर्स लगाता है, और नीचे और क्या होता है, ऊपर की तरफ भी एक फोर्स लगता है, तो नीचे की तरफ फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं, सभी को मालूम है। जो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं, अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट बोलते हैं, इसको हिंदी में उत्प्लावन बोलते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। कभी भी किसी वस्तु को जैसे देखा जाता है लिक्विड के ऊपर रख दिया जाए तो क्या होता है, ऊपर की तरफ वेट लगता है, उसको क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट बोलते हैं, ऑप्शन ए। और आज की क्लास गाइस यहीं खत्म होता है, अगले क्लास में क्वेश्चन कितना होगा, 4, 5, 1 हम लोग स्टार्ट करेंगे, सेट 16 यहाँ पे भी आपको न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन मिलेंगे। अब जितना भी क्वेश्चन होगा सारा न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है गाइस, धन्यवाद।